तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज मिल जाएं तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। द फीलिंग ऑफ फर्स्ट लव। देखते ना थे इन आंखों का फैला काजल, देखते ना थे इन आंखों का फैला काजल, अब जुल्फें सवारने लगे हैं। देखते ना थे इन आंखों का फैला काजल, अब जुल्फें सवारने लगे हैं, कि जब से देखा है इन आंखों ने तुमको, हम इन आंखों की नजरें उतारने लगे हैं। नाउ द थिंग अबाउट फाइंडिंग, जो वो तितलियां जब इस पेट में, द बटरफ्लाइज व्हेन दे हैपन टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट हैपेंस इज ना, हम खुद को ना अपनी नजरों से देखना ही छोड़ देते हैं। हम खुद को देख रहे हैं उस इंसान की नज़रों से जिस पे हमारी नज़रें टिक गई हैं। अगर उसमें हम खूबसूरत हैं तो हैं, नहीं तो इनसिक्योरिटीज, ट्रॉमा एंड व्हाट नॉट। पर ना एक पहली मोहब्बत बड़ी मलंग होती है, क्योंकि उससे पहले वी डोंट नो व्हाट नफरत इज, हमें नहीं पता क्या होती है, शक क्या है, शिकायतें क्या है, हमें सिर्फ चाहत है कि मोहब्बत मिल जाए। और उसकी आंखों से खूबसूरत क्या ही होगा जिससे हमने मोहब्बत की है, हम तो मलंग हैं। तो कहा है कि तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज मिल जाए, तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज मिल जाए तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। मैं तो लेखक हूं मगर फिर भी मैं कोशिश करने से बाज नहीं आती। अब तेरी आंखों को ख्वाब कहूं या यूं कहूं कि तेरी आंखों में खुद को देख लेना ही एक ख्वाब है, या यूं कहूं कि जब तेरी आंखों में खुद को देख लेती हूं तो इतनी खूबसूरत लगती हूं कि अब खुद से मोहब्बत होने लगी है। तेरी नजरों के नूर के बारे में अब मैं क्या लिखूं, तेरी नजरों के नूर के बारे में अब मैं क्या लिखूं, अगर मेरी आंखें देख ना सकती तो तेरी आंखों के नूर से देखने लगती। तेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज मिल जाएं तो क्या खाक खूबसूरत है तेरी आंखें। और अगर मैं लफ्ज ढूंढना छोड़ दूं तो क्या खाक खूबसूरत है मेरी मोहब्बत। यू नो दैट फीलिंग जब आपका झगड़ा होता है, हम सब अक्सर ना मान जाने के लिए रूठते हैं, मानते हो कि कोई फट से मना लेगा तो मान जाएंगे, नहीं लगाएंगे चार दिन झगड़ने में अपनी एनर्जी यार। पर जब आप बैठे हो ना किसी के इंतजार में और वो इंसान जा चुका है, दैट फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग फॉर समथिंग और समवन, दैट्स जुस्तुजू, इसका नाम है जुस्तुजू। तू एक दिन जब लौट कर मुझे ढूंढता आएगा, मैं तुझको अगर ना मिली तो फिर किधर जाएगा, सबसे पहला दरवाजा किसका खटखटाएगा। क्या तू मुझे तलाशने उसी घर आएगा जहां तूने और मैंने मिलकर हमको खो दिया था, जब मैं से तंग आकर, वो जो मैं क्यों मनाऊं वाली मैं होती है ना, जब मैं से तंग आकर गंभीर हो दिया था। अगर आएगा तो कदम जरा संभल कर रखना, इस घर में मेरे हिस्से जगह जगह पर रहते हैं। जब से तू गया है मेरे पांव दरवाजे पर ही बैठे हैं, दिल बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है, बंद ना हो आंखों से दफा दफा कहता है कि वो आएगा एक दिन लौटकर जरूर, कानों में हल्के से फुसफुसा देता है, मासूम हाथ बातों में आ जाया करते हैं, फिर हर रात खुदी को बाहों में भरते हैं। तू एक दिन जब लौटकर मुझे ढूंढता आएगा, मुझे यूं बिखरा देख क्या खुद बिखर जाएगा, या उठा लेगा मुझको और जर्रा जर्रा जोड़ देगा, संभाल लेगा मुझको मेरी चुप्पी तोड़ देगा, वक्त भर से जो मेरे साथ रहा है क्या तेरा इंतजार मुझे छोड़ पाएगा। तू एक दिन जब लौट कर मुझे ढूंढता आएगा, मैं तुझको अगर ना मिली तो फिर किधर जाएगा। एंड यू सिटिंग हियर राइट as a heartbroken, and sometimes people don't come back, and that's, and honestly that's amazing.
लगता है कि कोई दिल के बहुत करीब था, कोई दिल के बहुत करीब था जिससे यारी टूट गई, बातें एक एक कर सारी की सारी छूट गई। कभी तो दिन भर गप्पे लड़ाया करते थे, कभी तो दिन भर गप्पे लड़ाया करते थे, फिर एक एक कर एक दूसरे से मिलने की बेकरारी छूट गई। लोग मिसालें दिया करते थे, लोग मिसालें दिया करते थे दोस्ती की हमारी, मोहब्बत ने ऐसी टांग अड़ाई कि महफिल सारी लूट गई। कोई दिल के बहुत करीब था जिससे यारी टूट गई। और अब ना कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं बचा है ना, तो द रियलाइजेशन इज दैट लव डजंट कम टू यू, यू गो टू इट, यू टीच पीपल हाउ टू लव यू, यू लर्न फ्रॉम इट। तो जो चेकलिस्ट बनाई रहती है ना, पहली मोहब्बत से पहले ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा जरूरी है एक दूसरी चेकलिस्ट की क्या नहीं चाहिए। और वो तो कर करके आएगी मियाँ। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट, सो डज लव। दिस इज कॉल्ड तीसरी मोहब्बत। जब पहली दफा प्यार हुआ, जब पहली दफा प्यार हुआ या ऐसा लगा कि प्यार हुआ, इन्फैटुएशन, क्रशेस, बड़ा कुछ होता है, तब ये एहसास हुआ कि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए आते हैं कि मोहब्बत से हमें क्या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए वो जो तुम पर अपना हक समझे, नहीं चाहिए वो जो तुमको बस बदन तक समझे, नहीं चाहिए वो कि जिसके दिल में जलन हो, नहीं चाहिए वो जो खुद में ही मलंग हो, नहीं चाहिए वो जिसे तुम पूरी शिद्दत से तो चाहो मगर कायनात हाथ मिलाकर रख दे तो बस दर्द। अब लोग कहेंगे कि मोहब्बत करने वालों को दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। उन्हें कहने दो, तुम इस दिल को एक दूसरा मौका दो, मौका दो ताकि ये सीख सके कि कभी कभी सब कुछ ठीक होकर भी सब ठीक नहीं होता। दिमाग तो चिल्ला चिल्ला कर कह भी देगा कि है तो इसमें वो सब जो तुझे चाहिए, ए दिल अब बता तुझे और क्या चाहिए, मगर दिल दिल परख लेता है खत्म हो जाने वाली मोहब्बत, झूठ फरेब, झूठे वादे वक्त से पहले ही, इसीलिए इस दफा कस कर बंद करता है दरवाजे। और दिमाग गुस्से में आकर तुम्हें इतना पागल कर देता है कि तुम हार जाते हो, सोचते हो मोहब्बत हमारे समझ की बात नहीं मियां, छोड़ो। मगर मियां मोहब्बत अगर समझ आ जाने वाली चीज होती तो खुदा ये जिम्मेदारी दिल को सौंपता ही क्यों। ढूंढ कर ना तराशो तो, ढूंढ कर ना तराशो तो, होती कोयले जैसी कहीं राख मोहब्बत, और मिल जाए तो कह देते हैं लोग एक खूबसूरत इत्तेफाक मोहब्बत। मगर ये इत्तेफाक तो वो ऊपर वाला हर किसी की जिंदगी में एक ना एक दफा जरूर करवाता है। तुम्हारे लिए बना वो शख्स बेवक्त ही सही, तुमसे जरूर टकराता है वो शख्स जो बिना जाने ही तुम्हें अपना सा लगेगा, जो तुमसे नहीं तुम्हारे बदलते हर रूप से मोहब्बत करेगा। देखो उस शख्स के आ जाने से ना तो तुम्हारा रास्ता छोटा होगा, ना ही इस रास्ते के कंकर हटेंगे। हाँ मगर तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा। मोहब्बत कब आकर कंधों पर पंख लगा देती है पता भी नहीं चलता, मगर पूरी की पूरी पीठ छील देती है आते आते, ताकि बैठकर जिंदगी भर मरहम लगाए, मरहम लगाए और तुम्हें बताए। ना शर्तों की मोहताज मोहब्बत, ना तुम आधे ना वो आधी, दो पूरे लोगों के मिलने का साज मोहब्बत। पूरी ये सच्ची, पूरे तुम पागल, दिल के पागल पंछी की परवाज मोहब्बत। इसीलिए इसीलिए पछताओगे, और सच कहती हूं बहुत पछताओगे अगर इस दिल को ना हजारों मौके दिए। क्या हुआ अगर कुछ लोगों ने हमको धोखे दिए, जहां इतना सही, जहां इतना सही, इस सच्चे दिल को थोड़ा और पागल होने दो, इसे फिर एक बार किसी के प्यार में खोने दो। थैंक यू। द होल जर्नी ऑफ लव इज फाइंडिंग व्हाट यू वांट, व्हाट यू डू नॉट वांट, एंड दैट्स ऑल ओके। पर इस सब में ना हम एक चीज भूल जाते हैं कि जब कोई जाता है ना, जब हमारा दिल टूटता है, तब सिर्फ उस इंसान को जाने देना होता है, उसको जो दी हुई मोहब्बत है ना वो वापस रख लेनी होती है अपने लिए। जाने से पहले एक शेर कहूंगी इसी बात पे कि गिला नहीं,
गिला नहीं गर पीठ में खंजर लगे लाखों मेरे, गिला नहीं गर पीठ में खंजर लगे लाखों मेरे, इस खौफ से मैं अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं करूंगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।